नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे हैं एच डी द मैथ और इसके अंदर टॉपिक पढ़ना आयतन वॉल्यूम। साथ ही इसमें हम सिक्स क्लास कंप्लीट कर चुके हैं और सिक्स क्लास के अंदर हमने 138 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। आज क्लास होगी 7 और क्वेश्चन नंबर होगा 139 और आज का जो टाइप रहेगा गोला और शंकु पर आधारित प्रश्न। तो साथियों, इस क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज क्लास 7 और आज का जो टाइप पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे भाई, गोला और शंकु पर आधारित प्रश्न। तो साथियों, यहाँ पर मुझे फॉर्मूला लिखाने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम ये दोनों टॉपिक पहले पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे क्वेश्चन की ओर और आप देखें क्वेश्चन नंबर दिया 139, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या दिया भाई, मान लीजिए कि जल की एक बूंद गोलाकार होती है। भाई जल की कोई बूंद है और उसने बताया कैसी बूंद है, ये गोलाकार है, ठीक है भाई। आगे बोला इसने, और उसका व्यास 1/10 सेंटीमीटर है। इस बूंद का जो व्यास है, डायमीटर है, वो कितना दिया, 1/10 सेंटीमीटर। तो बताना इसकी रेडियस कितनी होगी, त्रिज्या। अगर मैं इसकी त्रिज्या की बात करूँ तो भाई ये क्या हमारी रेडियस, और इसे मैंने नाम दे दिया भाई R1। कितना हो जाएगा भाई, 1/10 का जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, त्रिज्या क्या होता है, डायमीटर का आधा होता है, रेडियस डायमीटर क्या होती है, आधी होती है। जब 1/10 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/20 सेंटीमीटर। भाई आपके कहीं दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि 1/5 हो जाएगा, 1/10 का आधा, आधे का मतलब क्या होता है, 2 से उसे डिवाइड कर दें। भाई जब आप 1/10 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इस 2 का इधर मल्टीप्लाई, यानी 1/20 हो जाएगा। या फिर कहें कि जैसे मान लीजिए 40 है, इसका आधा करना है, ये भी कह सकता हूँ भाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसी तरीके से आप देखें 1/10 इसका आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 हो जाएगा, और 10 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 20। तो भाई यहाँ पर आप गलती मत करना, 1/5 मत कर देना, कितना होगा, 1/20 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। आगे क्या दिया क्वेश्चन के अंदर, एक शंकु गिलास है जिसकी ऊंचाई उसके रिम के व्यास के बराबर है। ये गिलास बना दिया मैंने भाई, ये ठीक है, ये इसका आधार बना दिया, ठीक। अब देखो गिलास है तो इस तरीके से होगा नहीं, पलट के होगा भाई। तो इस ये आपकी जो रिम है, ठीक है, और इसने बताया जिसकी ऊंचाई, तो आप देखिए ये ऊंचाई होगी भाई इसकी, ठीक है, आप इसे पलट के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने इसकी रेडियस मान ली भाई, ये जिसका नाम मैंने दे दिया R1, और ये हाइट यानी कि h। लेकिन क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ देखना, सॉरी R1 तो पहले से है, R2। क्वेश्चन के अंदर इसने बोला कि जिसकी ऊंचाई उसके व्यास के बराबर है। अब एक चीज़ बताना मुझे, इसकी त्रिज्या R2 है तो इसका व्यास क्या होगा, डायमीटर। भाई डायमीटर क्या होगा, त्रिज्या का दुगुना, यानी R2 का दुगुना क्या हो जाएगा, 2R2, यानी इसकी जो हाइट है वो व्यास के बराबर, यही बोला, यानी हाइट कितना हो जाएगा, 2R2 हो जाएगा। तदनुसार यदि जल की 32,000 बूंदें उस गिलास को पूरा भर दें तो उस गिलास की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करिए भाई, ये आपका गिलास है और इस गिलास को ये जो बूंदें हैं कितनी, 32,000 बूंदें इसको भर सकते हैं, यानी कि 32,000 बूंदों का आयतन और इस गिलास का जो आयतन है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो गिलास भरा जा रहा है किसके द्वारा भरा जा रहा है भाई, 32,000 बूंदें उसके द्वारा। तो हम क्या करेंगे, 32,000 बूंदों का आयतन, 32,000 बूंदों का आयतन, 32,000 बूंदों का आयतन किसके बराबर हो जाएगा, ये जो आपका गिलास है, गिलास कैसा शंकुआकार है, इसका आयतन क्या होगा, 1/3 πr²h। लेकिन ध्यान रखना यहाँ हमारी जो रेडियस है, त्रिज्या क्या है, R2 है, तो क्या लिखना पड़ेगा, R2², ठीक है। बस अब बताइए बूंद का आयतन कैसे निकालेंगे, बूंद कैसे, गोलाकार है तो गोलाकार जब बूंद है तो बूंद गोलाकार का आयतन क्या होता है, 4/3 πr1 है रेडियस इसकी, r1³, ये होता है भाई। भाई गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 πr³, हमारी त्रिज्या क्या है, r1 है, तो r1 लिख दिया। लेकिन ये एक बूंद का आयतन है, बूंदें कितनी, 32,000, तो क्या करेंगे, 32,000 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है भाई, बराबर कितना, 1/3 πr²h। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट देखना, अच्छा यूनिट तुम्हारी एक ही दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, 1/20 सेंटीमीटर R1 है, तो क्या करेंगे, 32,000 और तो कुछ कैंसिल होगा ही नहीं ना, × 4 × R1 कितना है, 1/20, और क्यूब है भाई, क्यूब है तो क्या करूँगा, 3 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, बराबर R2² × हाइट, h कितना भाई, 2R2 है, तो लिख दीजिए भाई 2R2।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। आप देखें एक दो तीन जीरो, एक दो तीन जीरो कैंसिल हो जाएगा, दो को गुणा दो में करेंगे चार, चार दूनी आठ, दो दूनी चार दूनी आठ, तीनों गुणा करें आठ, आठ से कितने बार कट जाएगा, चार बार कट जाएगा भाई। और आप देखेंगे इधर क्या टू है, और इस टू से हम इसे काट देते हैं दो बार, ठीक है। इधर क्या बचा, आर टू स्क्वायर इंटू आर टू, क्या हो जाएगा आर टू की पावर क्यू, और इधर क्या होगा फोर इंटू टू यानी कि एट। आप देख रहे हैं हमें यहाँ से मिला आर टू की पावर क्यू बराबर हमें क्या मिला एट मिला, लेकिन हमें क्या निकाल आर टू निकालना है, तो क्या करेंगे क्यूब रूट लगा देंगे दोनों तरफ। क्यूब रूट क्यों लगा रहे हैं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्यूब है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा क्यूब रूट। आप देखेंगे आर टू क्यू का क्यूब रूट जब निकालेंगे आर टू हो जाएगा बराबर इस एट का क्यूब रूट कितना हो जाएगा टू, क्यों एट जो हमारा होता है टू का क्यूब होता है भाई, एट हमारा टू का क्यूब, तो एट टू पावर क्यूब है, यहाँ से हमारा क्यूब रूट हट जाएगा, क्यूब रूट सॉरी ये क्यूब हट जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। आर टू की वैल्यू कितनी होगी टू होगी। क्वेश्चन के अंदर हमें ऊंचाई पूछी है ना, तो उस ग्लास की ऊंचाई कितने सेंटीमीटर है, आप देख रहे हैं ऊंचाई क्या है एच बराबर क्या है भाई टू आर टू है, तो आर टू की वैल्यू कितनी आई टू आई भाई, टू को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एच बराबर आपका कितना हो जाएगा फोर सेंटीमीटर, ये आपका भाई क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था भाई, ठीक है, बस हमको समझना था कौन सा भाई डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 140 एक शंकु और एक गोलार्ध, गोलार्ध का क्या मतलब है अर्ध गोला, ठीक है, का आधार एक समान है, शंकु और जो गोलार्ध है उन दोनों का आधार जो बेस है वो कैसा है एक समान है सेम है, तो बना देता हूँ भाई इसे भी, तो मैं यहाँ पर बना दिया भाई गोलार्ध बना दिया इस तरीके से, ठीक है ये गोलार्ध बना दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्लास में, अगर आपने पिछली क्लास पढ़ी, अगर पिछली क्लास नहीं पढ़ी तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूले सारे पहले पढ़ा चुका हूँ, तो वैसे तो नहीं कि बार बार फॉर्मूले जो क्लास से स्टार्ट होने पर लिखाऊंगा, ठीक है। गोलार्ध है और क्या भाई एक शंकु है, चलिए ये शंकु बना दिया भाई मैंने, अब इसमें क्या दिया है इसे आधार एक समान है, अगर इसकी रेडियस r है, अगर इसकी रेडियस r है तो इसकी भी रेडियस क्या होगी r होगी, क्यों क्योंकि दोनों का आधार जो है हमारा कैसा है समान है, दोनों की त्रिज्या r होगी और उनकी ऊंचाई भी एक समान है, तो बताना अगर मैं इस गोलार्ध की आपसे ऊंचाई पूछू बताना ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई भी इसकी क्या होगी आर होगी, क्यों क्योंकि ये भी तो हमारी क्या है इसकी अर्धगोले की भी त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई अर्धगोले की दोनों क्या होती है समान होती है, यानी ये आर है तो ये भी क्या होगा आर होगा, तो बताना इसकी ऊंचाई क्या होगी भाई, इसकी भी आर होगी क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बताया भाई ऊंचाई भी समान है। अब बताओ क्या बचा क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं बचा, तदनुसार उनके कुल पृष्ठों का अनुपात कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया का हमें रेशियो निकालना है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, हमें शंकु पहले दिया गोलार्ध बाद में, तो हम क्या करेंगे शंकु का फॉर्मूला पहले लिखेंगे गोलार्ध का बाद में, ठीक है, तो बताना इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने शंकु का भाई, टोटल सरफेस एरिया क्या लिखाया था पाई आर और ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, या फिर मैं लिखाया था पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, मैंने बोला था किसी भी तरीके से याद रख लेना, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, ठीक है। रेशियो इसका क्या होगा भाई टोटल सरफेस एरिया, आप देखें इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr², ठीक है। बस हाँ एक चीज़ यहाँ पर देखनी पड़ेगी, यहाँ हमारा L है लेकिन हमें अभी L नहीं पता है इसका, तो क्या करेंगे ये आपकी रेडियस, ये हाइट और ये क्या आपकी तिरेक ऊंचाई, इसे हम बोलते हैं L स्लेंट हाइट, ये L और निकालना पड़ेगा, तो निकलेगा आसानी से कोई दिक्कत नहीं भाई। आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है भाई आपका, ये 90 डिग्री होता है यहाँ पर, ये R है ये R है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मैंने आपको बताया था भाई, ये हमारा क्या होता है साइड का रूट टू गुना होता है अगर ये दोनों साइड बराबर हों, तब अगर ये भी R ये भी R, यानी कहने का मतलब है अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो क्या करें इसमें आप सिर्फ रूट टू का गुणा कर दें, क्या निकल आएगा आपका कर्ण निकल आएगा, इसे क्या बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनस, हमारे यहाँ क्या है त्रिक ऊंचाई, यानी एल की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा आर रूट टू, बस ये भाई, तो इसे मिटा सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो आप देखिए पाई से तो पाई कैंसिल हो ही जाएगा और ये आर स्क्वायर है आर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो एल की जगह क्या लिख दें आर रूट टू प्लस आर रेशियो यहाँ क्या बचा 3r, तो आप देखें यहाँ भी r कॉमन निकल आएगा, r कॉमन ले लेते हैं रूट टू प्लस वन रेशियो 3r, r से r फिर कैंसिल हो जाएगा यानी कि रूट टू प्लस वन रेशियो 3, ये आपका भाई क्या हो जाएगा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन भाई, ठीक है।
आप देखेंगे कौन सा हो जाएगा भाई, फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा 141, ये दिया एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं, तो यही वाली चीज़ है अभी, तो एक अर्धगोला और एक शंकु के आधार बराबर हैं, बिल्कुल ठीक है। यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हों, तो आप देख रहे हैं ऊंचाई भी बराबर हैं, ठीक है भाई। क्या पूछा है इसमें, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात क्या होगा। अब देखो यहाँ पर हमें वक्र पृष्ठ पूछा, संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछा, वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा भाई। इसमें ये भी देख लें पहले, अब देखो यहाँ पर अर्धगोला पहले दिया और शंकु बाद में दिया है, तो अर्धगोला का फॉर्मूला पहले लिखेंगे, शंकु का बाद में, ये भी बहुत ध्यान रखना भाई, ठीक है। तो बताओ इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताया था, 2πr² बराबर, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या बताया था, πr(l), यही लिखा था भाई। आप देखें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा 2r, सॉरी रेशियो निकालना ना, बराबर क्यों कर दिया मैंने, रेशियो पूछा ना, अनुपात, अनुपात लगा दीजिए भाई, ठीक है। रेशियो एल की वैल्यू कितनी निकली है भाई, r√2 भाई। पिछला वाला क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर पूछना अलग है, ऊपर वाले कुछ और पूछा था, यहाँ कुछ और पूछा, ठीक है। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, बस ये आंसर हो जाएगा आपका भाई, देख लीजिए 2√2 लेकिन आपका तो कहीं है ही नहीं भाई, क्या करें। तो देखना ये जो √2 है, या फिर इस 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, ये लिख सकता हूँ भाई इसे, ठीक है, क्योंकि √2 का √2 मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हमारा कितना √2 है, तो आप देखें इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि √2 √2 1 हो जाएगा, ये है देखना √2 1 बिल्कुल है। या फिर आप एक तरीका और कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने इस 2 को लिख दिया √2 × √2, या फिर आप ये कर सकते थे कि दोनों तरफ यहाँ भी √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी √2 से, जैसे 2 × √2 √2 × √2, इस तरीके से भी कर सकते हैं, √2 यहाँ भी मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, तो आप देखेंगे 2√2 और ये √2 × √2 क्या जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या निकलेगा, √2 1। तो आपकी इच्छा किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तो 2 को क्या ले सकते हैं, √2 × √2, ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगे। कौन सा हो जाएगा भाई, सेकंड ऑप्शन। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 142, दो लंब वृत्ताकार शंकु जिनकी ऊंचाइयां एक समान है। अब देखो यहाँ दो शंकु हैं, है ना, दोनों को दोनों क्या दे दिए, शंकु दे दिए, और जो उनकी जो हाइट है वो कैसी है, समान है। चलो बना लेता हूँ भाई, इसे भी दो शंकु बना दिए भाई, ठीक है, इस तरीके से एक तो ये बना दिया, एक और बना देता हूँ इसी के बराबर, हालांकि मेरे छोटे बड़े मुझे पता है, पर कोई बात नहीं, आपको दोनों बराबर मान के चलने भाई, इनकी दोनों की जो हाइट है वो समान है, ये अगर h है तो ये भी क्या होगा आपका h होगा। आगे क्या बोला इसने, और जिनके आधारों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर, इनकी त्रिज्या अलग अलग दे रखी है, इसे मैंने नाम दे दिया R1, इसको नाम दे दिया मैंने R2, कितनी कितनी भाई 3 सेंटीमीटर और कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 3 और 4 दिया है, एक साथ पिघला कर, अब इन दोनों को एक साथ पिघला रहा है भाई, ठीक है, दोनों को पिघला कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में ढाल दिए जाते हैं, तदनुसार एक शंकु की ऊंचाई कितनी है। अब इन दोनों शंकु को पिघला करके एक ठोस गोले में बदल दिया गया जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर, इसकी जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर दे रखी है। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, इतना आसान क्वेश्चन है, क्या करेंगे, पिघलने की बात हो रही है, इन दोनों को पिघला रहा है, यानी कि इन दोनों शंकु का आयतन, इन दोनों शंकु का आयतन और इस अकेले ठोस गोले का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों को पिघला करके यही तो बनाना है भाई। तो मैंने बोला आपसे जब पिघलने की बात आए तो आपके दिमाग को तुरंत ही क्या आना चाहिए, आयतन आना चाहिए, वॉल्यूम। तो बताइए इसका आयतन क्या होगा, 1/3 πr² h, और यहाँ हमारी रेडियस क्या R1 है, तो लिख देता हूँ, चलो R1² h प्लस 1/3 πr² h, भाई इसका क्या है रेडियस R2, तो R2² h, भाई दो शंकु दोनों बार अलग अलग लिख दिया, बराबर किसके बराबर होगा इसके भाई, तो इसकी रेडियस मान लो चलो R3, यानी कि 4/3 πr³, बस वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। तो आप देखिए यहाँ से ये चीज़ तो कॉमन ले लीजिए आप, ये और ये चीज़, ठीक है, यानी कि π/3 और h,
यानी कि पाई एच अपॉन थ्री कॉमन ले लो भाई, पाई एच अपॉन थ्री कॉमन ले लो, अंदर बचेगा आर वन स्क्वायर, यहाँ बचेगा प्लस आर टू स्क्वायर, और ये हमारा क्या है फोर अपॉन थ्री पाई आर थ्री क्यू। आप देखेंगे पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, थ्री से थ्री आपका कैंसिल हो जाएगा, एच हमें निकालना है। आर वन देखेंगे क्वेश्चन के अंदर थ्री दिया और थ्री का स्क्वायर कितना नाइन हो जाएगा, आर टू में फोर दिया फोर का स्क्वायर हमारा सिक्सटीन हो जाएगा बराबर फोर, और आर थ्री हमारा कितना दिया फाइव है यानी कि फाइव का क्यूब, और फाइव का क्यूब कितना हो जाएगा आप देखेंगे 125। ठीक है भाई साहब, आप देखेंगे एच और नौ और सोलह कितना हो जाएगा पच्चीस हो जाएगा, हमें एच निकालना है तो इस चीज़ का भाई इधर डिवाइड लग जाएगा, यानी कि फोर इंटू 125 अपॉन क्या करेंगे भाई 9 और 16 कितना 25 से डिवाइड करने की समझ आ रहा है भाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि h की वैल्यू निकालनी तो इसका तो डिवाइड लगाना ही पड़ेगा, 25 से पाँच बार कट जाएगा। आप यहां से देखिए h बराबर आपको मिला 4 इंटू 5 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये भाई साहब का आंसर है, बताओ क्या है, कुछ भी नहीं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 143। एक बच्चा मिट्टी से बने एक शंकु को जिसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है गोलाकार बना देता है। अब देखिए भाई शंकु को क्या कर देता है, ये गोलाकार बना देता है। कोई शंकु है मिट्टी का जिसके में हाइट और रेडियस दे रखी है, ये है भाई हाइट और रेडियस कितना कितना है। आप देखिए इसकी हाइट है 24 और इसकी जो रेडियस है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर ये, और इसने क्या किया गोलाकार बना देता है, तदनुसार उस गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी। भाई बच्चा है मिट्टी का बच्चा मिट्टी का नहीं, शंकु मिट्टी का है, बच्चा है और इस मिट्टी के शंकु को किस में बदल देता है गोले में बदल देता है, किस में बदल देता है इसको गोले में, यानी कि इस शंकु का आयतन और इस गोले का आयतन दोनों क्या होंगे बराबर होंगे, क्योंकि भाई पहले ये मिट्टी की पहले इसने शंकु के रूप में बदल दिया, अब इसी चीज़ को इसने गोले के रूप में बदल दिया, कोई बात नहीं। इसके हम रेडियस मान लेते हैं क्या आर वन, क्या मान लेते हैं आर वन, तो बताना इसका आयतन क्या होगा एक बट्टे तीन पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस का स्क्वायर यानी सिक्स का स्क्वायर इंटू हाइट कितना है 24 बराबर, इसका आयतन कितना होगा आप देखेंगे 4 अपॉन 3 पाई आर वन क्यू, पाई आर वन क्यू आप देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 24 बराबर 4 इंटू आर वन क्यू, और 4 से कट जाएगा 9 बार, ये हमें निकालना आर वन, तो आप देखिए आर वन क्यू, सॉरी अभी ऐसे रहने दो, हाँ क्यू रूट लगा, चलो अभी रहने छोड़ो, बराबर 9 इंटू 24 हमें क्या निकालना है R1 निकालना है, R1 निकालना है तो हमें ये क्यूब खत्म करना होगा, क्यूब कैसे खत्म होगा भाई दोनों तरफ क्या लगाना पड़ेगा क्यूब रूट लगाना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर ऐसा मत करना कि इसका मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्या करेंगे अभी बताता हूँ आपको, जैसे 9 है 9 रहने दो इंटू ये 24 है हमारा, इससे आप 8 इंटू 3 कर लीजिए, ऐसा मैंने क्यों किया देखना अभी, ये क्यूब रूट है आप देखिए 9 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा और इंटू 8, ऐसा क्यों किया मैंने, हालांकि मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, मुझे पता है 27 का जो क्यूब रूट है 27 का क्यूब रूट 3 होता है और 8 का क्यूब रूट 2 होता है, तो मैंने इस तरह के अलग अलग निकाल दिया। आप देखिए 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो है ये आर वन क्यू है इसका क्यूब रूट निकालेंगे सिर्फ क्या हो जाएगा आर वन हो जाएगा, और इसका क्यूब रूट कितना निकला 6 निकला, यानी आर वन बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और हमें यही पूछा है कि उस गोले की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगी भाई। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 144। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघला कर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया गया है। अब आप यहाँ देखना एक गोला है 10.5 सेंटीमीटर का रेडियस वाला, ठीक है, और उसे पिघला करके किस में ढाल दिया गया है शंकुओं के रूप में ढाल दिया गया है, तदनुसार इस प्रकार शंकुओं की संख्या कितनी होगी, तो क्या करेंगे उस गोले का आयतन यानी कि 4/3 पाई आर क्यू, गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है भाई डायरेक्ट लिख सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं 10.5 का क्यूब हो जाएगा भाई गोले की त्रिज्या है। अब इस गोले को चलो आप ये गोला भाई, और इस गोले को किस में बदल दिया गया शंकु के रूप में बदल दिया गया। अब यहाँ पर कितने शंकु ये नहीं पता, शंकुओं की संख्या निकालनी है, यानी इस अकेले गोले का आयतन और जो शंकु जितने ही बने उन सभी शंकुओं का आयतन क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि गोले से तो शंकु बनाए गए पिघला करके, तो आप देखेंगे अब शंकु की इसने त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी है, इसकी रेडियस है
3.5 और इसकी जो हाइट है वो दे रखी है 3। यही है भाई, गोले का आयतन हो गया बराबर। अब हमें ये तो पता नहीं कितने शंकु, तो मैं मान लेता हूँ एन शंकु हैं। कितने एन शंकु, एन शंकु का आयतन कैसे निकालेंगे? तो एक शंकु का आयतन कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट। रेडियस कितनी, 3.5 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है, 3। ठीक है भाई, हमारे एक शंकु का आयतन ये है, तो एन शंकु का आयतन कितना, तो एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल राइट। आप देखेंगे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। आप देखिए 4 × 10.5 × 10.5 × 10.5, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यू है, हमें निकालना है एन, यानी कि इस चीज़ का भाई इधर क्या लग जाएगा, डिवाइड लग जाएगा। तो डायरेक्ट डिवाइड लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर है तो 3.5 × 3.5 × 3, समझ रहे भाई, हमें एन निकालना है तो इस चीज़ का तो इधर डिवाइड करना पड़ेगा भाई, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एन हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, ये पॉइंट आपका यहाँ से हट जाएगा, ये पॉइंट आपका यहाँ से हट जाएगा, 35 से आप देखेंगे 3 बार कट जाएगा, ये 35 से आपका 3 बार कट जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12 गुणा इसमें कर दीजिए, तो आप देखें एन बराबर हो जाएगा 12 × 5 = 60 और 12 × 1 = 12। ठीक है, जब 12 को 10.5 मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा, लेकिन यहाँ पॉइंट है ध्यान रखना, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा आपका, यानी कि 126 अंक हो जाएंगे। कितने भाई, 126, ये आंसर है। सिंपल क्वेश्चन, कौन सा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखें 145, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार प्याले में कॉफ़ी ऊपर तक भर दी गई है। उस कॉफ़ी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर शंकु में डाला गया, तदनुसार उस शंकु का कितने प्रतिशत आयतन खाली रह जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो भाई क्या क्या है, एक आपका अर्धगोलाकार प्याला है, ठीक है भाई साहब ये बना दिया मैंने, ठीक है, इसकी हमें रेडियस कितनी दे रखी है भाई, 4 सेंटीमीटर, इसको मैं मान लेता हूँ R1 बराबर कितना, 4, और इसकी जो हाइट है, यह हाइट दिए नहीं दिए, नहीं दी होगी तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी त्रिज्या और ऊंचाई दोनों इसकी क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ऊपर तक भर दी गई है, उस कॉफ़ी को 8 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ऊर्ध्वाधर शंकु है। तो यहाँ मैं इस तरीके शंकु बना देता हूँ, जिसकी हमें रेडियस और हाइट पता है, इसकी रेडियस मैंने मान ली R2, और R2 बराबर दिया है, रेडियस दी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट है वो कितना दिया भाई, 16 है, ऊंचाई कितनी दी है, 16 है। तदनुसार उस शंकु का कितने प्रतिशत आयतन खाली रह जाएगा, इसका मतलब है हमारा जो शंकु है वो इस प्याले से बड़ा है तभी तो खाली रह जाएगा। तो क्या करेंगे, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों का हम रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है, या फिर आप दोनों का रेशियो ना निकालें तब भी, यहाँ मैं आपको रेशियो निकाल के बताऊँगा, तो बताना इसका आयतन क्या होगा। तो आप देखेंगे ये हमारा क्या है, अर्धगोला है, हेमी स्फीयर है, चलो फॉर्मूला लिख दे, डायरेक्ट समझ जाना ना, 2/3 πr³ हेमी स्फीयर का भाई, इसका आयतन क्या होगा, तो आप देखिए इसका आयतन होगा 1/3 πr²h, लेकिन यहाँ रेडियस R2 है तो R2 कर लीजिए। आप देखें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर होगा 2, और R1 कितना भाई, 4 है, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा भाई, R1 कितना, 4 है, तो 4 का क्यूब 64, रेशियो R2 आपका कितना, 8 है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, इंटू H आपका कितना, 16 है, यानी कि 16, ठीक है। आप देखें 64 से 64 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा, 8, यानी कि 1:8। आप देखना यहाँ से हमें इन दोनों के वॉल्यूम मालूम पड़ गए, रेशियो मालूम पड़ गया कि अर्धगोले का वॉल्यूम कितना 1 है और शंकु का वॉल्यूम कितना 8 है। यहाँ से क्या चीज़ मालूम पड़ गई, देखो इसकी क्षमता कितनी 1 है और इसकी क्षमता कितनी 8 है, यानी इसने पूछा जब इसे इसके अंदर जो कॉफ़ी है इसके अंदर जब भरते हैं तो कितना खाली रह जाता, कितना प्रतिशत खाली रह जाता। तो आप देखना इसकी क्षमता 1 है, इसकी 8 है, यानी कोई भी चीज़ इसमें 1 आती है उसमें कितनी आती है, 8 आती है। जब बताना इसके अंदर इसे भरेंगे तो बताना कितना खाली रह जाएगा भाई, 1 है, 8 इसके अंदर आ सकता है शंकु के अंदर, तो 7 खाली रहेगा कि नहीं रहेगा, 7 खाली रह जाएगा, और हमें निकालना परसेंट, ये जो 7 जो खाली रहा वो किसका रहा, शंकु का रहा, यानी कि 8 में से 7 खाली रह गया इंटू 100। अगर क्वेश्चन के अंदर ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन और बन सकता है इस पर, ये तो खाली की बात है, अगर क्वेश्चन के अंदर ये पूछता कि बताना शंकु कितना प्रतिशत भर जाएगा, तो कितना भर जाएगा, 1 भर जाएगा, कौन भर जाएगा, शंकु, यानी कि 8 में से 1 भर गया। लो भाई ये अगर
दोनों क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। अगर ये पूछे कितना प्रतिशत भर जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा, खाली की बात करेगा तो 7/8। क्यों? क्योंकि हमारी अर्धगोलीय क्षमता 1 है, शंकु के 8 है, यानी इसमें कोई भी चीज़ 1 आ सकती है, शंकु के अंदर 8 चीज़ें आ सकती हैं। तो उस जब हमें इसमें भरेंगे तो 1 भर जाएगा तो शेष कितना रहेगा? 7 रह जाएगा। इसने ये पूछा है कि हमारा जो है ये कितना प्रतिशत खाली रह जाएगा, तो 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने भाई? ये 100 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि मुझे आंसर किस में चाहिए? प्रतिशत में चाहिए। तो यहाँ भाई कैंसिल कर लीजिए, आप देखेंगे चलो 7 × 700 करेंगे और 8 का भाग लगा ही देते हैं, कोई बात नहीं। तो आप देखेंगे 8×7=56 है ना, सॉरी 8×8=64, 6 बचेंगे 60 हो जाएगा, 8×7=56, 8×5=40, 87.5% ये आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। उम्मीद कर रहा हूँ भाई आपको क्वेश्चन जो अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे ना, अगर नहीं समझ आते हैं तो मुझे आप जो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और समझ आ रहे हैं तो भाई अच्छी बात है, और आप वीडियो को आगे भी पहुँचाइए, शेयर करिए ना, क्योंकि देखो भाई मेरी आदत नहीं है बार बार कहने की चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, एक ही बार बोलता हूँ तो आप ऐसे भाई मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया करें, ठीक है। और वैसे आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती कोई करता नहीं है। अच्छा भाई सुनना, आंसर को गड़बड़ कर दिया था क्या? 87 ही आ रहा था ना, कुछ अलग तो नहीं कर दिया था? 700/8 था ना, अगर मैंने मुझे पता नहीं मिटा दिया मैंने, 8 का भाग देंगे कितना? 8×64 हो जाएगा, 6 बचेंगे, 8×7=56, देखना यही दिया था, अगर ये दिया था तो आंसर ये सही है। मुझे लग रहा है शायद 82 तो नहीं दे दिया था कहीं, भाई ये आंसर होगा इसका, ठीक है 87.5%। अगर मैं पहले सही देखो दे चुका हूँ तो कोई बात ही नहीं भाई। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 146, एक शंकु के आधार और एक गोले की त्रिज्या आर समान है। एक शंकु का आधार, चलिए एक शंकु बना देते हैं भाई, ये शंकु बना दिया है ना, और एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या ये आर है, तो ये भी क्या हुआ? आर होगा, क्योंकि इसने बताया दोनों समान है भाई। उनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही है, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी ये चीज़ निकालनी है एच। अब यहाँ से एक चीज़ देखना, वक्र पृष्ठ इसने क्या बताया, दोनों का सेम है तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? पाई आर एल, ठीक है, और इसका क्या होगा? इसका तो वक्र पूछे संपूर्ण पूछे एक ही होता है, यानी कि 4πr². तो देखो यहाँ फॉर्मूले सब लिखा चुका हूँ, दोबारा से कह रहा हूँ फॉर्मूले लिखा चुका हूँ, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो सच बता रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं पढ़ने का, पहले आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है, क्यों पहले पढ़ा चुका हूँ सब। और देखो हर बार मैं फॉर्मूले लिखता हूँ, वरना मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ डायरेक्ट ही, लेकिन फॉर्मूले क्यों लिखता हूँ? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आँखों से निकल जाए, याद हो जाए। तो आप देखें यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर है ये स्क्वायर है, यानी एल बराबर हमारा कितना है? आ रहा है, यानी कि हमारा एल, ये दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे? 4r, सॉरी वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो दोनों आपस में कभी बराबर हो ही नहीं सकते। l बराबर कितना होगा? 4r, ये हमारा कितना होगा? 4r। यहाँ से हमने l भी निकाल लिया, तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। हमें क्या पूछा है? हमें ये पूछा शंकु की ऊंचाई कितनी होगी, तो बताना ये आप देख रहे हैं हमारा क्या बन गया, ये क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है भाई, होता है ये 90 डिग्री है। तो आप देखेंगे ये हमारा r है, ये हमारा कितना 4r है, और हमें क्या निकालना है? h निकालना है, क्या लगा देंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे भाई। तो आप देखें पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी 4r का स्क्वायर कितना? 16r² प्लस h स्क्वायर प्लस r², ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का स्क्वायर। आप देखेंगे ये r², ये 16r², इस r² इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा? 15r² बराबर h², हमें h निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा देंगे। आप देखेंगे यहाँ से आपका स्क्वायर हट जाएगा यानी h हो जाएगा, और यहाँ r² है, r बाहर निकल आएगा, ये 15 है हमारा अंदर रहेगा, क्यों? क्योंकि 15 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, पॉइंट में आएगा तो r√15 हो जाएगा। आप देखेंगे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कौन सा भाई? सी। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 147, और हाँ ये मत कहना कि आपने r बाहर लिख दिया, ये इसमें जो √15 r इसमें अंदर नहीं, ये भी बाहर है, बस इसने क्या किया इस तरीके से लिख के इस तरीके से कर दिया, ठीक है, ये मत समझना है कि रूट के अंदर है, रूट के अंदर नहीं बाहर है भाई। आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 147, एक ठोस तले पर अर्ध गोलाकार है और ऊपर शंक्वाकार है। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें क्या दिक्कत है, कुछ भी हो हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, जो भी लैंग्वेज बोले भाई उसे कर दीजिए। देखना अर्ध गोलाकार है तला, ठीक है, और ऊपर इसने शंक्वाकार बताया तो इस तरीके से शंक्वाकार कर देते भाई। आप देखेंगे ये हमारा अर्धगोलाकार होगा कि नहीं होगा, अगर इस वाले हिस्से को देखें तो अर्धगोलाकार, ऊपर से देखें तो शंकु होगा, दोनों चीज़ होगी भाई।
आगे बोला यदि दोनों भागों के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हैं, यदि दोनों भागों के पृष्ठ क्षेत्र बराबर हैं तो उसके शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई, यानी ये चीज़ निकालनी है हमें। त्रिज्या मैंने मान ली भाई आर है और ऊंचाई मैंने क्या मान ली एच, ठीक है। मुझे त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो चाहिए यानी आर रेशियो फोर सॉरी एच, और एच की जगह मेरे को पता नहीं क्यों फोर निकल जाता है भाई मुझसे ना, आर रेशियो क्या भाई एच। तो कभी गलती से निकल भी आया तो उस पर ध्यान मत देना भाई, ठीक है। और कभी कभी क्या मैं पहले ही बताया सॉल्यूशन सही कर देता हूँ, मुझसे गलत बोल देता हूँ, तो इन चीज़ों को भाई इग्नोर करें, जो बोल रहा हूँ उसे देख लें कि हाँ गलती से मुँह से निकल गया है। चलिए क्वेश्चन में क्या बताया, दोनों भागों के पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर हैं, इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है और इसका दोनों का क्या बराबर है, तो बताना इसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा भाई, क्या होगा पाई आर एल। अब यहाँ पर भाई हमें जो है टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना, क्यों, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया हमारा ये भी ऐड हो जाएगा तो ये तो हमें दिखाई देगा नहीं भाई, हमारा सिर्फ ये दिखेगा यानी पाई आर एल बराबर इसका क्या होगा, इसका अर्धगोले का क्या होगा भाई 2πr², यहाँ भी आपको 3πr² नहीं लेना है, सिर्फ हमें क्या लेना कर्व सरफेस एरिया। आप देखें यहाँ पर l निकल के आ गया भाई, चलिए कोई बात नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी l बराबर कितना होगा 2r हो गया, एल बराबर कितना हो गया 2r, यानी ये चीज़ निकला, ये हमारी क्या त्रिक ऊंचाई जैसे हम l से डिनोट करते हैं भाई, स्लेंट हाइट है, एल बराबर कितना होगा 2r। हमें क्या निकालना है भाई, इस रेडियस और हाइट का हमें रेशियो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो भाई यहाँ पर हमें पाइथागोरस थ्योरम फिर लगानी पड़ेगी। तो देखेंगे 2r का स्क्वायर यानी कि 4r² बराबर h स्क्वायर प्लस r² भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ से h² निकल आएगा भाई, h² बराबर ये r² है, 4r² की तरफ लाएंगे माइनस हो जाएगा यानी कि 3r², हमें h² निकालना, दोनों तरफ क्या लगा देंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो आप यहाँ से देखेंगे h बराबर ये r² है, r बाहर निकल आएगा भाई, ठीक है, अंदर क्या बचेगा स्क्वायर रूट 3, क्यों, क्योंकि हमें रूट 3 का तो हम स्क्वायर रूट निकाल नहीं सकते, बस कोई दिक्कत नहीं, हमें r रेशियो h चाहिए, तो आप देखेंगे r रेशियो h, तो आप देखें r तो हमारा r है ही है, h हमारा कितना निकला r रूट 3, तो h की जगह क्या लिख देंगे भाई r रूट 3, r से r कैंसिल हो जाएगा यानी कि 1√3, ये आपका आंसर होगा। बस आपको ध्यान रखना है कि इसमें रेडियस का रेशियो पहले दिया है या ऊंचाई का, त्रिज्या और ऊंचाई यानी r पहले लिखना h बाद में, बिल्कुल सही है, करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा 1√3। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 148, क्या दिया भाई, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और एक गोलक की त्रिज्या a के बराबर है। इतने सिंपल क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल भी नहीं घबराना भाई, जो मैं कह रहा हूँ उस काम के लिए करिए तो सही, कम से कम आप फॉर्मूले याद करिए तो सही, उसके बाद देखिए मज़ा आएगा कि नहीं आएगा भाई, कुछ नहीं करना होता, क्वेश्चन में जो बोले उसे लिखते चले, कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता भाई सॉल्व करने का। आप देखना 148 क्या बोला इसने, लंबवृत्तीय शंकु बोला, चलिए शंकु बना दिया भाई, जो बोला वही करता हूँ अपनी तरफ से, कुछ नहीं करता मैं, ठीक है। शंकु की त्रिज्या और एक गोलक की त्रिज्या, चलो गोलक ही बना देता हूँ, इन दोनों की त्रिज्या क्या बताई इसने, ए बताई है, चलो भाई ए कर दिया मैंने, बताओ मैंने अभी तक ये बताना अपनी तरफ से भाई कुछ किया, अपनी तरफ से मैंने अभी कुछ नहीं किया, ठीक है। क्या बोला आगे, उस गोलक और शंकु के आयतन भी एक समान है, इस गोलक और शंकु के आयतन भी एक समान है, तदनुसार उस शंकु की ऊंचाई कितनी है, यानी हाइट निकालनी है, चलिए हाइट निकाल लेंगे, दोनों का आयतन बराबर है तो करिए भाई जो बोला है, तो बताना शंकु का आयतन कितना 1/3πr²h, आर क्या त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ कितनी दे रखी a, यानी 1/3πa² × हाइट बराबर, इसका आयतन क्या होगा 4/3πr³, आर यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या का a यानी a का क्यू, आप बताइए भाई से इसमें मैंने अपनी तरफ से क्या किया, अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं तो आप कैसे कर पाएंगे। अब कुछ नहीं भाई, बस निकल आया आंसर हमारा, हो गया पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, आप देखें ये स्क्वायर है क्यूब है, एच बराबर हमारा आ गया 4a, क्वेश्चन के अंदर यही पूछा कि ऊंचाई कितनी, लो है बच्चों वाले क्वेश्चन, है बच्चों वाले हैं भाई, अगर फॉर्मूले याद हो तो, सेकंड ऑप्शन हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर देखें 149, एक ठोस धातु गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, आप देखिए क्या दिया इसने, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, किसका, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr², बस लिख दीजिए तुरंत, बराबर कितना 1/5, 1/2, 5/6, यदि उसे पिघलाकर उससे 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंबवृत्तीय शंकु बनाए जाते हैं। अब देखिए ये गोला था आपका,
और इसे पिघला करके हमें क्या बना रहा है, ये क्या बना रहा है, शंकु बना रहा है। और शंकु के हमें रेडियस और हाइट दोनों दे रखा है भाई, त्रिज्या दे रखी है 2.5, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी 2.5 है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है भाई, आप देखेंगे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे कितने शंकु बन सकते हैं, इसका कहने का मतलब क्या है, इस गोले का आयतन और जितने भी शंकु बने उन सभी शंकुओं का आयतन दोनों को आपस में बराबर कर दें। तो इसका आयतन क्या होगा, चलो इसकी रेडियस में नाम दे देता हूँ R1, ठीक है, इसकी रेडियस R1 है और इसकी रेडियस में नाम दे दिया R2, ठीक है। अब आप ये मत कहना गोला तो है नहीं, गोला ही मानना है, ठीक है, अंडाकार सा लग रहा है पर ये गोला मानना आपको, ड्राइंग बहुत बकवास है मेरी भाई। अच्छा, इसका आयतन और इसका आयतन दोनों को बराबर कर दें, तो इसका आयतन मुझे निकालने के लिए भाई 4/3 πr^3 क्यों फॉर्मूला होगा, तो मुझे रेडियस तो चाहिए। अब रेडियस कहाँ से निकालूँ, लगाइए दिमाग कहाँ से निकलेगा रेडियस भाई, ये भी तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये ऐसा तो है नहीं ऐसे दे रखा है, यहाँ से निकलेगा रेडियस। देखिए भाई 4 × π की वैल्यू 22/7, अच्छा यहाँ R1 ले लिया तो यहाँ R1 कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि भाई गोले का वक्र पृष्ठ है, सॉरी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो यहाँ रेडियस R1 है तो यहाँ भी R1 लेना पड़ेगा हमें, × R1² बराबर 1256। अब यहाँ कैंसिल करके देखिए कुछ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 × 3 = 12 कितना बच जाएगा, और सॉरी 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16 ये कट जाएगा भाई, 22 × 22 नहीं अब नहीं कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 11, मुझे लग रहा कैंसिल नहीं हो रहा भाई, 2 से 11 और 2 से हो जाएगा ये 2 × 1 = 2, ठीक है, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14, 157, 11 × 11 कैंसिल नहीं होगा भाई, R1² बराबर हो जाएगा 157 × 7/11। अगर हमारी कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ बता दिया भाई, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेनी है, ना कि 22/7, ठीक है, तो यही लेना पड़ेगा, थोड़ा मैंने क्वेश्चन आगे नहीं देखा, पाई की वैल्यू भाई 3 क्यों पूरा कट ही नहीं रहे ऐसे, × R1², तो क्वेश्चन को थोड़ा भाई ध्यान से पढ़े ना, मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं देखा। आप देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 × 3 = 12, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 16, तो R1² बराबर निकलेगा, R1² बराबर निकला 314 और डिवाइड कर देंगे कैसे 3.14, ठीक है, पाई की वैल्यू दे रखिए, हम क्या करेंगे पॉइंट है पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा भाई 100 हो जाएगा, क्यों, पॉइंट का कितने डिजिट हैं 2 डिजिट, यानी 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। आप देखें R1² बराबर 100 आया, तो बताना क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, यहाँ से आप देखेंगे R1 बराबर कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, R1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि R1² का स्क्वायर रूट R1 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10 आएगा भाई, ये तो हमें निकालना ही था, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा रहा हूँ भाई, अब है ना, यहाँ मैंने आपको रेडियस बता दिया किस तरीके से निकलेगा, रेडियस हमारी कितनी आ गई 10 आ गई, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इस गोले का आयतन यानी कि 4/3 πr^3 बराबर n × शंकु का आयतन कितना 1/3 πr^2 2², ठीक है भाई, n क्यों लिया, क्योंकि यहाँ इसने पूछा है कि कितने शंकु बन सकते हैं, तो मैंने क्या मान लिया n शंकु बन सकते हैं, एक शंकु का आयतन इतना तो n का कितना, तो n का मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल कर दिए, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 4 × R1 की वैल्यू कितनी भाई, R1 की वैल्यू कितनी निकली थी, सॉरी 10 निकली थी ना, R1 की वैल्यू लिख लेना ऐसे, मैंने मिटा दिया वो, R1 की वैल्यू 10 निकली थी, 10³ बराबर n × R2², अच्छा क्यूब है तो इसका 3 बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 10 × 10 × 10, 10 का क्यूब है, n × R2 कितना हमारा 2.5 है, यानी कि 2.5 × 2.5 ये स्क्वायर है, 2 बार मल्टीप्लाई, इंटू हाइट कितनी भाई 8 है, बस n निकाल लीजिए। तो आप देखेंगे अगर मुझे n निकालना है तो इस पूरी चीज़ का भाई इधर डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 4 × 10 × 10 × 10 / आप देखें 2.5 × 2.5, ठीक है, और इंटू कितना 8 है, तो आप देखेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा भाई, क्यों पॉइंट एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ दो अंक हैं तो 2 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे, 25 से आपका ये 4 बार कट जाएगा, आप देखेंगे ये 10 × 10 कितना 100 हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा, तो 25 इसे भी काट देता हूँ डायरेक्ट 4 बार, 4 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा, कितना बचा 4×5 = 20, 20 × 80 ये हमारा आंसर आ गया 80, 4 × 5 × 4 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, आप देखेंगे आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है 80। आप देखें क्वेश्चन नंबर 150,
150 दिया, दो धातु के लंबवर्ती शंकु जिनकी ऊंचाइयां 3.8 सेंटीमीटर तथा 4.6 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पर शंकु दिए हैं और दो शंकु हैं, दोनों की हाइट अलग अलग दे रखी है। चलिए भाई हाइट अलग अलग है तो बना देते हैं दो शंकु भाई फटाफट से जल्दी से एकदम, है ना। ये बना दिए भाई, ड्राइंग पर ध्यान ना दें, बस समझना है हमें और कुछ नहीं करना भाई। ये रेडियस, ये हाइट, रेडियस कितना कितना दे रखा है भाई, 3.8 और 4.6। तो ये मैंने मान लिया 3.8, ये मान लिया मैंने 4.6, ठीक है। और इसने बोला और आधारों की त्रिज्या प्रत्येक 2.1 सेंटीमीटर, आधार दोनों की त्रिज्या दोनों की समान है, यानी ये भी 2.1, ये भी कितना 2.1, ठीक है भाई। आगे बोला एक साथ पिघलाकर एक गोले में ढाल दिए, इन दोनों को पिघला करके एक गोले में ढाल दिया गया। अभी क्वेश्चन किया था हमने इस टाइप का भाई, तदनुसार उस गोले का व्यास कितना है, इसका व्यास निकालना है। अगर मुझे इसकी त्रिज्या मालूम पड़े तो व्यास आराम से निकल आएगा। मैंने इसकी रेडियस मान ली आर, व्यास निकालेंगे कैसे, जो भी त्रिज्या निकल के आएगी उसे डबल कर देंगे, व्यास निकल आएगा, डायमीटर निकल आएगा। क्या करें भाई, इसका इन दोनों का आयतन बराबर, इसका आयतन कर दीजिए, पिघला रहा भाई। आप देखें 1/3 पाई, इसका आयतन क्या होगा, आप देखेंगे 2.1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी 3.8 भाई, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई r² h, r कितनी 2.1, हाइट कितनी 3.8 प्लस। अगला शंकु कितना होगा भाई, तो 1/3 पाई इंटू r1 कितना 2.1, सेम है 2.1 का स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है 4.6। तो इसे भाई आप बना लेना, इसे भी मिटा रहा हूँ अब, ठीक है, इसे भी मिटा रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा लिखना है तो इसे मिटा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आप बना लेना बराबर। गोले का आयतन कितना होगा 4/3 पाई r³, आर तो मुझे निकालना है। चलिए भाई तो यहाँ आप एक काम करें, देखो यहाँ भी पाई, यहाँ भी पाई, यहाँ भी 1/3, यहाँ भी 1/3, तो पाई 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। हाँ एक चीज़ और भी कॉमन आएगी, 2.1 का स्क्वायर 2.1 का स्क्वायर, इसे भी कॉमन ले लीजिए, इसे भी कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3.8 प्लस यहाँ बचेगा 4.6 बराबर हो जाएगा 4/3 पाई और r³। अब देखो कॉमन लेने से हमारे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, वरना पाई की वैल्यू रखते सॉल्व करते तो दिक्कत हो जाती है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 2.1 इंटू 2.1 स्क्वायर है इंटू इन दोनों को ऐड कर देंगे, 6 और 8 हो जाएगा 14, 4 और 3 7, 7 और 1 8 यानी कि 8.4 बराबर 4 इंटू r³, ये हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये 4 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 4 से कितना 2.1, 21 और 4 गुणा कितना 84, ये 4 का भाग लगाएंगे कितना 2.1, r³ बराबर आप देखें क्या आया, r³ बराबर ये भी 2.1, ये भी 2.1, ये भी 2.1, यानी कि 2.1 का क्या कर दे, क्यूब कर दे, r निकालना है, दोनों तरफ क्या लगा दें, क्यूब रूट लगा देंगे, आप देखें r बराबर क्यूब रूट है भाई ना, तो r बराबर कितना हो जाएगा 2.1 भाई। क्यूब रूट क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा क्यूब है, आर हमारा 2.1, तो बताना इसका जो व्यास होगा, डायमीटर होगा, वो कितना होगा भाई, इसका डबल कर देंगे, 2.1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा 4.2, बस ये हमारा आंसर है। आप देखेंगे हमारा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 151, दो एक समान ऊंचाई और क्रमशः r1 तथा r2 त्रिज्या वाले ठोस शंकु को पिघला। अब देखो यहाँ बताया है जो शंकु हैं उन दोनों की एक समान ऊंचाई है लेकिन रेडियस दोनों की अलग अलग है। चलिए भाई साहब ये बना दिए मैंने, दोनों की ऊंचाई समान है, रेडियस अलग अलग है, चलो भाई साहब कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, कुछ भी बोले हमें तो करना ही है, ये r2 और ये h है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को पिघला दिया गया, ठोस शंकु पिघलाकर आर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले में बदल, इन दोनों को पिघला करके किसमें बदल दिया, एक ठोस गोले में बदल दिया जिसकी हमें रेडियस दे रखी है कितनी आर है, इसकी त्रिज्या कितनी आर है भाई। इसने पूछा तदनुसार उन शंकुओं की ऊंचाई कितनी थी, क्या है क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है यार, इसका वॉल्यूम इन दोनों का, इसका वॉल्यूम कर दीजिए भाई, इसका वॉल्यूम कितना आएगा 1/3 पाई r² h प्लस 1/3 पाई r² h बराबर 4/3 पाई r³। बताओ क्या कर रहा हूँ मैं, इसे कुछ भी नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने फार्मूला लिखा भाई, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ फार्मूला। आप देखेंगे ये कॉमन आ जाएगा भाई, ये चीज़ ये एच भी कॉमन आ जाएगा, तो आप देखेंगे पाई एच और नीचे कितना 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा हमारा r² प्लस यहाँ बचेगा हमारा r² बराबर हो जाएगा 4/3 पाई r³। आप देखें पाई से पाई के, सॉरी ये तो h है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा,
क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना क्या है, बस ये देख लीजिए उन शंकुओं की ऊंचाई कितनी थी, यानी कि मुझे h निकालना है भाई साहब। जब h निकालना है तो इस चीज़ का भाई इधर डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई। आप देखेंगे 4RQ upon R1 square plus R2 square, ये देख लीजिए भाई है कि नहीं है। 4RQ upon R1 square plus R2 square फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि क्या है, कुछ भी नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 152, 28 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार धातु की परत को मोड़कर एक खुले शंकुआकार प्याले में परिवर्तित कर दिया गया। अब देखने यहां पर एक आपका अर्धवृत्ताकार है, इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं हम ये भी, तो आप देखेंगे अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा अर्धवृत्ताकार है तो आप देखेंगे इस तरीके से आपका क्या हुआ है अर्धवृत्ताकार। थोड़ी इंक भाई कम हो रही है, मैं इंक डालू ना, तो कंटिन्यू करिए भाई। क्या है, कहां तक कर लिया था हमने, ये हमने कर दिया था अर्धवृत्ताकार कर दिया था, 152 था ना, हाँ 152। 28 सेंटीमीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार धातु की परत को मोड़कर, 28 सेंटीमीटर का व्यास दिया है, डायमीटर है तो बताना रेडियस कितनी होगी, रेडियस कितनी हो जाएगा 14 हो जाएगा, आधा कर देंगे भाई। इसको मोड़ करके एक खुले शंकुआकार के रूप में मोड़ दिया गया, चलिए भाई ये शंकु बन जाएगा भाई। अब इसने क्या बोला, प्याले परिवर्तित कर दिया गया, तदनुसार उस प्याले की धारिता कितनी होगी, प्याले की धारिता यानी कि उसका आयतन कितना होगा, तो बताना अगर मैं इसकी रेडियस मान लूँ R2 नाम दे देता हूँ, इसे R1 बराबर 14, ये R2 और इसकी हाइट h, मुझे बताइए इसकी धारिता चाहिए, मुझे इसका आयतन चाहिए, आयतन चाहिए। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² h, r हमारा कितना R2 है, R2² h, ये होता है। तो देखना सबसे पहले यहाँ आपको ट्रिक की बात कर लेता हूँ, कभी कभी क्या होता है मैं आपको बेसिक से पहले बता देता हूँ, ट्रिक बाद में बताता हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक पहले कई बार पढ़ा चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूले के अंदर हमारा क्या है, पाई है, और जब फॉर्मूले के अंदर पाई हो तो मैंने क्या बताया था भाई आपके लिए कि जब भी आपको फॉर्मूला पाई मिलता है इसका मतलब है जो ऑप्शन होगा वो 101% 11 से क्या होगा, डिवाइड होगा, क्योंकि पाई की वैल्यू हमारी 22/7 होती है, पहले बता चुका हूँ, और 22 के जब फैक्टर करेंगे आप देखेंगे 2 × 11 होगा, यानी 11 का वो क्या होगा, 11 के हमारे फैक्टर नहीं हो सकते, तो 11 का वो गुणज होगा जो भी होगा। तो हम डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इस 11 से ऑप्शन में डिवाइड कर दें, वही हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डिवाइड हो जाए। लेकिन कंडीशन क्या है, अगर एक से अधिक ऑप्शन 11 से डिवाइड होते फिर क्या करेंगे, तो उसी के लिए मैं आपको इसका बेसिक बता के चलता हूँ, फॉर्मूले से बता के चलता हूँ। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट टिक कर दें, आपका आंसर सही होगा 101%। देखना अभी आपको बताता हूँ, जैसे आप देखें पहला ऑप्शन दिया 622.56, सेकेंड ऑप्शन दिया 623.20, थर्ड ऑप्शन दिया 624.26, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 622.16। अब आपको यहाँ पर 11 से डिवाइड देने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही चेक कर सकते हैं कि 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर आपने नंबर सिस्टम वाला टॉपिक पढ़ा है तो हमने बताया भाई कैसे, तो हम क्या देखते हैं, जैसे ये फ्री यानी एक एक डेट हम छोड़ देते बीच में से, 6 और 2 8, 8 और 6 कितना हो जाएंगे 14। अब जो बचे उन्हें जोड़ लीजिए, 2 और 5 7, इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, डिफरेंस या तो हमारा 0 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई भी नंबर हो, 22 हो 33 हो, यानी 11 से डिवाइड हो जाए, तो वह संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी, भाग देने कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये तो हमारा 11 से डिवाइड होगा नहीं, यानी हमारे आंसर गलत हो जाएगा। 6 और 3 9, 9 और 0 कितना 9 हो जाएगा, 2 और 2 4 9 में 4 जाएंगे 5, ये भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। 6 और 2 8 सॉरी 6 और 4 10 10 और 6 16, और 2 और 2 4 16 में 6 जाएगा 10, ये भी नहीं होगा। आप यहाँ देखेंगे 6 और 2 8 8 और 6 14 हो जाएगा, 2 और 1 3 14 में 3 जाएगा 11, यानी कि 100% आपका आंसर यही होगा, बिल्कुल आपको सॉल्व करने की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें सॉल्यूशन करना है इसका, क्यों, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन के अंदर कोई भी दो ऑप्शन 11 से डिवाइड हों, या फिर 3 ऑप्शन, या हो सकता है 4 ऑप्शन आपके 11 से डिवाइड हों, फिर क्या करेंगे, फिर तो हमें भाई बेसिक आना ही चाहिए, ठीक है। तो ट्रिक की बात करें तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 622.16। अब मैं आपको यहाँ पर बेसिक पर लेके आता हूँ, ये कैसे करेंगे, तो पिघला के बना रहा है, अच्छा मोड़ करके, यानी ये वृत्ताकार आपकी अर्धवृत्ताकार क्या थी, कोई चादर है उसे मोड़ कर शंकु बना दिया गया। आयतन निकालना, तो यहाँ से एक चीज़ देखना, अर्धवृत्ताकार है तो इसकी जो रेडियस है
अर्धवृत्ताकार को जो हम मोड़ते हैं, इसकी जो त्रिज्या है ये इस शंकु की क्या बन जाएगी, त्रियक ऊंचाई बन जाएगी, यानी एल बराबर कितना हो जाएगा 14। ये चीज़ मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ, पर परेशान ना हो, समझा दूंगा अभी दोबारा से, पहले समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि इसकी त्रिज्या और शंकु की त्रियक ऊंचाई दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। कब? जब अर्धवृत्ताकार चादर को शंकु के रूप में मोड़ा जाए तब, उस कंडीशन में, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमेशा होंगे, जब इसे इसमें मोड़ा जाए तभी होगा। सेकंड चीज, इसकी जो रेडियस है और इसकी जो रेडियस है, इसमें जो रिलेशन होता है, शंकु की त्रिज्या अर्धवृत्ताकार चादर की जो त्रिज्या है उसका आधा होता है, यानी आर टू बराबर कितना होगा, 7 होगा। दोनों चीज बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। मुझे इसका आयतन चाहिए, तो आप देखेंगे 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर टू, आर टू हमारा कितना निकला, 7 निकला, यानी कि 7 का स्क्वायर, या फिर लिख दूं 7 × 7 इंटू हाइट h, भाई h तो मुझे पता ही नहीं, ये बड़ी दिक्कत होगी, तो h भी निकल आएगी, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, हमारी ट्रिपलेट तो यहाँ बन नहीं रही, 7 और 14 के साथ कोई कॉम्बिनेशन मैंने बताया ही नहीं, तो हमारी ट्रिपलेट यहाँ बन नहीं रही, तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी, यानी कि 14 का स्क्वायर 196 बराबर प्लस बराबर इन दोनों का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये बताया 7 का स्क्वायर 49, इस 49 को 196 की तरफ लाएंगे, एच स्क्वायर 196 माइनस 49 बराबर मिलेगा हमें, 16 में 0 जाएगा 7, 8 में 4 गए 4, 1 147 हमें एच निकालना है। दोनों तरफ क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे। आप यहां से देखें, एच बराबर आएगा स्क्वायर रूट 147। आपका जो 147 ये परफेक्ट नंबर नहीं है भाई, इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा, और आप देख रहे हैं ऑप्शन आपके सारे लगभग करीबी करीब 622 623 624 622, तो हमें यहाँ एग्जैक्ट नंबर लेना पड़ा। अगर हमारे ऑप्शन बहुत दूर दूर होते, डिफरेंस ज़्यादा होता, तो हम इसकी हाइट जो एप्रोक्स लेके सॉल्व कर सकते थे। जैसे आप देखेंगे 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ये हमारा 147 है, तो हम इसका हम 12 ले सकते थे, लेकिन यहाँ नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि हमारे जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा करीब हैं, पास पास हैं, डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। तो आप जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तब 12.12 आएगा। तो भाई यहाँ पर मैं स्क्वायर निकालना नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा से पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाइट हमारी निकला है कितनी, 12.12। अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको भाई करनी ही होगी, यहाँ हम कुछ नहीं, 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 22 इंटू 7 इंटू 12.12, ये हमें भाई सॉल्व ही करना होगा। तो अभी हमने जो सॉल्व किया था, आंसर कितना आ रहा था, 622.16, तो आप ऐसे सॉल्व कर लेना भाई, मैं नहीं बता रहा क्योंकि टाइम लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन हमारे कुछ इस तरह की कुछ कैंसिल होगा नहीं, है ना, कैलकुलेशन सही किया ना हमने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। 2207 गुणा कर देंगे, 7 × 2 = 14, 7 × 14 = 15, 154, और आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 12.12 कर लेना इसे, ठीक है, और फिर 3 से डिवाइड कर देना भाई। अब हम देखें क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 153 देखें, एक शंकु के आधार का अर्ध, अच्छा हाँ, एक चीज़ समझा रहा था मैं यहाँ पर, जो त्रियक ऊंचाई एल और ये कैसे हो गया, है ना, यही बताना भूल गया, अभी अगले क्वेश्चन पहुंच जाता, अभी बताया था उसे, अभी देखना भाई कैसे, ये भी चीज़ समझ लीजिए। जैसे आप देख रहे हैं ये अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है भाई, सही है। अब ये देख रहे हैं ये हमारा क्या है, सेंटर है, और ये हमारी क्या है, त्रिज्या। जब इसे हम मोड़ेंगे तो आप देखेंगे ये जो त्रिज्या है ये दोनों आपस में मिल जाएंगी, और इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, शंकु बन जाएगा, समझ गए भाई। और अब बताना ये त्रिज्या थी अभी कि नहीं, त्रिज्या थी, अब जब इसे मोड़ा अब ये शंकु क्या बन गई, त्रियक ऊंचाई बन गई, यही तो त्रियक ऊंचाई होती है, इस तरीके से ये त्रियक ऊंचाई कहीं से भी खींच दे क्या हो जाएगी, त्रियक ऊंचाई। तो बताना आर और एल बराबर होंगे कि नहीं होंगे भाई, अब देखना, ये तो मुझे आप समझ आ गया भाई, जिस इसकी त्रिज्या और इसकी त्रियक ऊंचाई दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये मैंने आधा कैसे कर दिया इसे भी समझ लीजिए, देखो बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं, जो भी बताऊंगा ऐसा नहीं मैं बोल दूंगा रट लीजिए हो जाएगा ऐसे इस तरीके से, नहीं, जो भी चीज़ कंसेप्चुअल बताऊंगा बिल्कुल, ठीक है, रटने वाली एक भी चीज़ नहीं बताऊंगा आपको, और ट्रिक भी बताऊंगा तो ट्रिक भी कॉन्सेप्ट के साथ, ऐसे नहीं कैसे बता दी। अच्छा हाँ, आप किसकी बात कर रहे थे, रेडियस की बात कर रहे थे, जैसे 7 ए कैसे आया, या फिर बोलूँ इसमें रिलेशन आधे और दुगने का कैसे होता है, तो देखना ये चीज़ है भाई हमारी, जब हम इसे मोड़ते हैं तो आप देखेंगे ये हमारा बन गया शंकु। तो देखना ये जो आपकी ये जो परिधि थी इसकी, ये इस शंकु का क्या बन गया, ये आधार बन गया, आधार बन गया, ये चीज़ भाई, ये परिधि थी इसकी अर्धवृत्त की, जब इसे मोड़ते हैं तो शंकु क्या बन जाता है, ये आधार बन जाता है, यानी
ये जो हमारी परिधि है इसे क्या बोलेंगे भाई, वृत्त की परिधि कितनी, 2πr, ये अर्धवृत्त है, तो सिर्फ इतने की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस आधार के बराबर, शंकु के। तो शंकु का आधार कैसा होगा, ये वृत्ताकार, वृत्ताकार यानी कि 2πr, इसका नाम r2 है तो r2 लिख दीजिए, और ये r1 था, ये पाई r1 बराबर 2πr2 हो जाएगा। तो आप देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r1 आपका 14 है, या फिर देख रहे हैं आप r1 बराबर क्या होगा 2r2, या फिर बोले यहाँ से r1 जो है r2 का क्या है, दुगुना है, या फिर कह सकते हैं r2 बराबर r1/2, यानी कि r2 r1 का क्या है, आधा है, r2 r1 का क्या है, आधा है। तो आप देखें r1 बराबर 14 है, तो r2 बराबर कितना, 14/2 यानी कि 7 हो गया कि नहीं हो गया। तो यही चीज़ है, इन दोनों में रिलेशन मैंने आपको बता दिया, तो आप भी इसी तरीके से याद रखें, अब आप याद रख सकते हैं, ठीक है। त्रिज्या इसकी और इसकी त्रिक ऊंचाई दोनों आपस में बराबर, इसकी जो त्रिज्या होगी और इसकी जो त्रिज्या होगी, इसकी होगी आधी, या फिर कह सकते इसकी ये होगी दुगनी, ठीक है। अब मैं अगले क्वेश्चन को चलता हूँ भाई, और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन जरूर समझ आ गया होगा, और जो मैंने आपको बताया ये भी समझ आ गया होगा भाई। तो अगला क्वेश्चन देखना क्या है, और यहाँ पर मैंने इसकी कैलकुलेशन छोड़ दिया भाई, आप कर लेना, थोड़ा टाइम लगता है इस वजह से मैंने नहीं किए, है ना। क्वेश्चन नंबर 153, एक शंकु के आधार का अर्धव्यास, एक शंकु के आधार का अर्धव्यास का मतलब क्या होता है भाई, अर्धव्यास का मतलब है त्रिज्या, त्रिज्या भाई व्यास की आधी तो होती है, अर्धव्यास बोल दिया, यानी कि इसकी जो रेडियस है, क्या बोला उसने, अर्धव्यास तथा एक गोले का अर्धव्यास, गोले का अर्धव्यास यानी इसकी भी त्रिज्या, दोनों ही क्या बताएं, दोनों में से प्रत्येक की माप 8 सेंटीमीटर है। अगर इसकी त्रिज्या 8 है तो इसकी भी क्या होगी, अच्छा इसे R1 नाम दे देता हूँ 8, और ये इसका नाम दे दे मैं R2, दोनों की त्रिज्या कैसी है, समान है भाई, ठीक है। आगे बोला इसने, साथ ही इन दोनों ठोस के आयतन बराबर हैं, आयतन बराबर, ठीक है। तो शंकु की त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई यानी ये निकालना मुझे L, कब निकाल पाऊंगा, जब मुझे h मालूम हो, h कहाँ से निकालूंगा, क्वेश्चन के अंदर बोला इसका आयतन और इसका आयतन दोनों के क्या बताएं भाई, समान बताएं, दोनों का आयतन बराबर, आयतन इसका क्या होगा, आप देखें 1/3 πr² h, h ये मान लिया मैंने, ठीक है, πr² h, r² यानी r1 है, r1 का स्क्वायर कितना होगा 8 का स्क्वायर 64 इनटू हाइट बराबर, इसका आयतन क्या होगा 4/3 πr³, 4/3 πr³, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई, ठीक है, 4/3 πr³, इसकी रेडियस कितनी 8, यानी 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब होता है 5/2 512, तो आप देखेंगे एच निकलेगा हमारा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एच बराबर निकलेगा हमारा 4 × 8 × 8 × 8 / 64, समझ गए भाई, एच निकालना 64 का इधर डिवाइड कर देंगे भाई, 4 × 8 का क्यूब 8 3 वाला लिख दिया मल्टीप्लाई अपॉन 64, 8 × 8 में करें 64 कैंसिल, एच बराबर हो जाएगा हमारा 4 × 8 में करें कितना 32, ये हमारा एच बराबर निकला 32। अब आ जाइए आप यहाँ पर, हमारा कैसा त्रिभुज है ये, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, चलो यहीं बना देता हूँ, समकोण त्रिभुज है भाई, ये हमारा 8 है, ये 32 है, समकोण त्रिभुज तुरंत ही दिमाग में क्या आने चाहिए, ट्रिपलेट आने चाहिए, तो बताना क्या मैंने 8 और 32 के साथ कोई कॉम्बिनेशन बताया था, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बताया भाई, चलो छोटा करके देख लेते हैं, 8 × 8 8 × 32, क्या 1/4 के साथ कोई कॉम्बिनेशन बताया, कोई कॉम्बिनेशन नहीं बताया, यानी कि अब हमें यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करनी होगी, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है भाई, ये निकालना है मुझे, ये कैसे निकलता है भाई, तो देखना अब आप इसे यूज कर ली, ये बड़े बड़े नंबर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप 1 और 4 लेके ही कर सकते हैं, ये मैंने क्या माना एल है, तो क्या करेंगे यहाँ कर देता हूँ भाई, कोई दिक्कत नहीं, L² बराबर इन दोनों साइड का स्क्वायर, और इन दोनों साइड का जो रेशियो आया हमारा कितना 1 और 4 है, तो आप 1/4 ही ले लें, या 8 और 32 लेना चाहता उसे भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं कहूँगा छोटे नंबर है, इनका स्क्वायर करने में जल्दी हो जाएगी, तो 1 और 4 ही ले लें, L² बराबर 1 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, L² बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 + 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 16 और 1 कितना हो जाएगा 17, आप यहाँ से L बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट, यानी कि L बराबर निकलेगा √70, ये आया, लेकिन आंसर ये नहीं है अभी, अब आपको क्या करना है, देखो ये नंबर हमने कितने से डिवाइड किए थे, 8 से डिवाइड किए थे, कितने से 8 से, तो अब जो आपका ऑप्शन आ रहा है उसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, जितने से भी आपने वो नंबर डिवाइड किया उससे हम मल्टीप्लाई कर दें, तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा 8√70, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हमें क्या चाहिए, त्रिक ऊंचाई चाहिए, एल चाहिए, एल बराबर ही तुम्हारा निकल के आया, बस सिंपल क्वेश्चन भाई, सेकेंड ऑप्शन, अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर ये
154। इसमें भाई तीन क्वेश्चन और हैं, तो आप देखें 154 कहता है एक शंक्वाकार कप आइसक्रीम से भरा है, तो भाई आइसक्रीम से भरा हुआ है, है? अब थोड़ा सा आप आइसक्रीम की तरफ ध्यान मन ले जाना, भावुक मत हो जाना, है ना, आइसक्रीम के चक्कर में क्वेश्चन गलत मत करना भाई। तो देखना आइसक्रीम से भरा हुआ शंक्वाकार है, चलो बना देते हैं भाई। तो शंक्वाकार भाई आपने देखना हमारा कोनी तो है, इसी तरीके से भाई आइसक्रीम होते खाई होगी। हाँ आगे बोला आइसक्रीम अपने खुले शीर्ष पर अर्ध गोलाकार आकृति है, अपने खुले शीर्ष पर अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार ही बनाए थे। अब तो भाई साहब पूरा पूरा फील आ रहा होगा, है ना, मन भी कर रहा हो आइसक्रीम मिले कैसे भी मिले, कोई बात नहीं। अब देखिए ये आपकी आइसक्रीम इस तरीके से इसके अंदर है, आनंद लो भाई, है ना, फील करो कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, इमेजिन। और मैथ में सब कुछ चलता है भाई। हाँ क्या क्या बोला इसने, अर्ध गोलाकार भाग की ऊंचाई, तो आप देखेंगे देखना यहाँ तो हमारा शंक्वाकार था ही, है ना, ये चीज़ इसकी जो ऊंचाई अर्ध गोलाकार की, तो ऊंचाई यही होगी भाई ये, और कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर ऊंचाई, 7 सेंटीमीटर। और मैंने आपको बताया था कि अर्ध गोलाकार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो बताना इसकी त्रिज्या कितनी होगी, आर बराबर भी कितना होगा, 7 होगा, ठीक है, दोनों बराबर होते हैं क्योंकि ये भी तो हमारी रेडियस ही है, त्रिज्या ही है, लेकिन इसको नाम ऊंचाई दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे आगे क्या बोला, अर्ध गोलाकार भाग की त्रिज्या शंकु की ऊंचाई के बराबर है, शंकु की ऊंचाई के बराबर है, और शंकु की ऊंचाई है तो ये भी कितना होगा भाई, शंकु की ऊंचाई, इसे मैं नाम देता हूँ H1, बराबर कितना हो जाएगा 7। इसने बोला भाई त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर है, ये भी इसने पूछा है तो आइसक्रीम का आयतन कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, सिंपल है भाई, क्या करें, इसका आयतन क्या होगा, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, आइसक्रीम का आयतन निकल आएगा, तो आइसक्रीम का आयतन, ओहो आनंद, इस शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, तो आप देखें 1/3 पाई, शंकु की हाइट कितनी और रेडियस कितनी आर, यानी आर स्क्वायर एच वन प्लस अर्धगोले कितना होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ भी आप जो है बिना सॉल्व किए इसका आंसर दे सकते थे ट्रिक से, कैसे, आप देख रहे हैं यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यानी 100% श्योर है कि जो ऑप्शन 11 से डिवाइड होगा वही आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो देखना अगर यहाँ ट्रिक की बात करें तो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है 1078, तो आप देखें 8 और 1 9, अरे क्या कर रहा हूँ भाई, ये 1 और 7 8 और ये 0 8, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैंने क्या बताया था 11 से डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है, या तो उनमें डिफरेंस 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो आप देखिए 0, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन 11 से डिवाइड हो रहा है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी चेक करना, क्या कहीं वो भी ऑप्शन तो हमारा 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो आप देखें 1708, आप देखें 1 और 0 1 और 8 और 7 हमारा 15, आप देख रहे हैं कितना आ रहा है, माइनस का 14, माइनस प्लस से कोई दिक्कत नहीं, बस आपको देखना है कि हमारा 0 या 11 है कि नहीं, तो आप देखें ना तो 0 ना 11 गुड़ा जाए कोई, तो हमारा ये ऑप्शन होगा नहीं। तो इस तरीके से आप चारों ऑप्शन जब चेक करेंगे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो 11 से डिवाइड हो, सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो आपको यहाँ सॉल्व करने की बिल्कुल भी कोई भी आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर इसका दे सकते हैं। लेकिन क्यों सॉल्यूशन बता रहा हूँ, हो सकता था भाई एक से अधिक ऑप्शन जो है हमारे 11 से डिवाइड हो रहे होते, और 11 से कब डिवाइड करेंगे, ये हमारे दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूले के अंदर पाई होना चाहिए, ऐसा नहीं इस फॉर्मूले में पाई है इसमें पाई नहीं है, दोनों पाई होना चाहिए तभी। तो आप देखेंगे 1/3 पाई कॉमन ले लेंगे, ठीक है, पाई तो कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि रेडियस दोनों की सेम है, ब्रैकेट के अंदर बचेगा H1+H, वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, तो आप देखेंगे 1/3 पाई में आ रहा आंसर है, रख रहा है वैल्यू, रख रहा है, सॉरी अभी तो सॉल्व किया ही था, 22/7, आर हमारा 7 है यानी कि 7 × 7, एच वन हमारा 7 है प्लस एच भी 7 है, दोनों सेम है भाई, आप देखेंगे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/3 × 22 × 7 और ये 7+7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 7 × 14, ठीक है भाई, क्या कर दिया यार, फॉर्मूला गलत लिख दिया भाई, वही तो मैं कह रहा भाई, इसमें ये तो 2/3 पाई r³ होता है ना, तो ये कहाँ से लिख दिया मैंने, ये क्यूब होगा भाई, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हो सकती है गलती, आप देखेंगे यहाँ r बचेगा,
फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सेम ही आएगा, कोई बात नहीं भाई, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा, है ना। कहाँ मिस्टेक कर दी मैंने, 1/3 πr² + 2/3 πr³, 1/3 πr² कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा एच वन प्लस यहाँ क्या बचेगा हमारा आर बचेगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। अच्छा मिस्टेक है भाई, यहाँ टू भी तो है तो 2r हो जाएगा ना, ये मिस्टेक है भाई, 2r, r कितना 7, तो 2 और 7 का मल्टीप्लाई करें 40, है ना। ये थोड़ी मिस्टेक कर दी मैंने जल्दबाजी, फार्मूला गलत लिख दिया था भाई, इसे करेक्शन कर लेना भाई। तो आप देखेंगे ये हो गया 1/3 × 22 × 7 और 7 और 14 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 ये, तो आप देखें 3 से कैंसिल होगा 7, आप देखेंगे 22 × 7 × 7 कितना 49, इसका मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 1078, ये आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ भाई करेक्शन कर लेना, मैंने करेक्शन कर दिया है, फॉर्मूला मैंने थोड़ा गलत लिख गया था यहाँ पर जल्दबाजी में। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 155, एक बड़े ठोस गोले को गलाकर समरूप लंब वृत्ताकार शंकु बनाए जाते हैं। चलिए भाई बना देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई से। एक बड़े ठोस गोला है आपका कोई, चलो भाई ये बना दिया मैंने ठोस गोला, ठीक है, इसकी रेडियस मान लेता हूँ मैं क्या आर, या दे रखी है, दे रखी है तो कोई बात नहीं, नहीं दे रखी है। अब इसको गला करके लंबवर्ती शंकु बनाए जाते हैं, शंकु बनाए जाते हैं भाई, एक शंकु नहीं कई शंकु बनना है, यह नहीं पता कितने बनना है, कोई दिक्कत नहीं भाई, जितने ही बनने हमें क्या दिक्कत है, जो बोले उसे कम से कम करिए तो सही। इसे मैंने नाम दे दिया भाई स्मॉल आर, इसकी रेडियस स्मॉल आर, हाइट मैंने इसकी कर दी कितनी h। अब क्या बोला इसे, जिनकी, अच्छा हाँ एक चीज़ ध्यान से देखना, एक बड़े ठोस गोले को गलाकर एक लंब वृत्ताकार शंकु बनाए जाते हैं जिनकी आधार त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है, जिनकी आधार त्रिज्या और ऊंचाई, आधार त्रिज्या और ऊंचाई गोले के बराबर है। तो देखना भाई इसकी भी त्रिज्या आर ही होगी और ऊंचाई भी इसी के बराबर है, ठीक है, ध्यान से समझो इसे, इसने बोला जिनके आधार की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है, गोले की त्रिज्या क्या मानी आर, तो इसकी त्रिज्या तो आर होगी होगी, इसने बोला ऊंचाई भी बराबर है तो एच बराबर कितना हो जाएगा आर, ठीक है भाई कोई भी दिक्कत नहीं। इनमें से एक शंकु को गलाकर, अब मुझे नहीं पता कितने शंकु हैं, कितने भी हो सकते हैं, इनमें से एक शंकु गलाकर एक छोटा ठोस गोला बनाया था, अब फिर इस एक शंकु गला करके फिर एक ठोस गोला बनाया जाता है, इससे ये बनाया, फिर इससे हमें एक छोटा और बनाया, इसकी मैं रेडियस मान लेता हूँ भाई क्या स्मॉल आर, ठीक है। ये कह रहा था छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्र और बड़े गोले के पृष्ठ क्षेत्र का अनुपात क्या होगा, ओहो कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें अनुपात किसका पूछा है, वॉल्यूम सॉरी पृष्ठ क्षेत्र का, पृष्ठ क्षेत्र का पूछा है, छोटे का और बड़े का, पहले हमें कौन सा लिखना है, छोटा वाला लिखना है और बाद में कौन सा बड़ा, क्यों छोटे गोले के पृष्ठ क्षेत्र और बड़े गोले, तो बताना इसका पृष्ठ क्षेत्र कितना होगा, आप देखेंगे 4πr² और इसका कितना होगा 4πr², यही तो होगा भाई, इसी कैपिटल आर है यहाँ स्मॉल आर है रेडियस, ये होगा, लेकिन हमें छोटे वाले का पहले लिखना है, यानी कि 4πr² ratio 4π R² ये पहले क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बताया छोटा गोला और जो बड़े गोले उन दोनों के पृष्ठ क्षेत्र होगा, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, आप देखें R² और ये R² ये हमें आएगा, लेकिन इस तरीके से हमारा कोई ऑप्शन है नहीं, मुझे आर भी तो निकालने होंगे, मुझे आर भी निकालना होगा, कैसे निकलेगा आप देखना, एक चीज़ बताना मुझे, इस गोले को पिघलाया, ध्यान से समझना, इस एक गोले को पिघलाया, इसमें से कई शंकु बनते हैं, अब ये नहीं पता कितने बनते हैं, कई शंकु बनते हैं और इन कई शंकुओं में से एक शंकु को पिघलाते हैं, इस एक शंकु से ये बनाया जाता है गोला, यानी इसका कहने का मतलब है इस अकेले शंकु का आयतन और इस अकेले गोले का आयतन दोनों क्या होगा, बराबर होगा, या फिर ये कह सकते हैं इस अकेले गोले का आयतन और जितने भी शंकु बने हैं उन सभी शंकुओं का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन यहाँ इस अकेले शंकु का आयतन और इस अकेले गोले का क्या होगा, आयतन बराबर होगा, क्यों, क्योंकि अकेला शंकु गलाया जाता है, उस अकेले शंकु से गोला बनाया जाता है, तो यहाँ हमें कोई मतलब नहीं, सिर्फ हम इन दोनों में रिलेशन देखना है, क्योंकि अकेले अकेले का यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या निकलेगा, यहाँ से हमें शंकुओं की संख्या निकलेगी, तो शंकुओं की संख्या थोड़ी ना पूछिए, तो यहाँ छोड़ दीजिए, इसका हमें क्या बताया, आयतन दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, तो बताना इसका आयतन क्या होगा, 1/3 πr² h, रेडियस क्या r², और आप देख रहे हैं h भी हमारी क्या r है, r बराबर, इसका आयतन कितना होगा 4/3 πr³, इसकी हमारी स्मॉल r है, ठीक है।
आप देखें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आप देखेंगे हो गया आर क्यू और यहाँ आपका हो गया फोर आर क्यू, यही हो जाएगा। तो यहाँ से आप आर निकालेंगे तो क्या कर देंगे, क्यूब रूट लगा देंगे, तो यहाँ से आपका कैपिटल आर निकल आएगा भाई। क्या निकल आएगा? कैपिटल आर। कोई सा निकाल सकते हैं आपकी इच्छा है, चाहे स्मॉल आर निकाले चाहे कैपिटल आर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ मैंने जैसे कैपिटल आर निकाल रहा हूँ, क्यूब रूट लगा दिया, क्यूब रूट है भाई, स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट, तो आर हो जाएगा। आप देखा आर क्यू है तो आर क्यू, तो आर तो बाहर निकल आएगा, लेकिन फोर का तो क्यूब रूट होता नहीं, तो फोर हमारा क्या रहेगा, अंदर ही रहेगा और यहाँ लग जाएगा क्यूब रूट। बस तो आर की वैल्यू यहाँ लिख दीजिए, स्मॉल आर ऐसे ही रहने दो, आर स्क्वायर रेशियो। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी निकली, आर और क्यूब रूट फोर, लेकिन स्क्वायर है भाई तो क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। आप देखें आर स्क्वायर रेशियो आर स्क्वायर, और ये हमारा कितना है भाई। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, अब यहाँ पर आपको घातांक एवं कर्ड़ी का यूज करना होगा, इंडिसेस एंड सर्ट्स मैंने आपको पढ़ाया भाई। आप देख रहे हैं क्यूब रूट फोर है, इस क्यूब रूट फोर का क्या मतलब है, यानी इस फोर पर जो पावर होगी वन अपॉन थ्री, क्यूब रूट फोर है, यहाँ जितनी भी घात होती है, सॉरी घात ये हमारे कर्ड़ी के अंदर ये होता है, जो भी नंबर होगा उसे वन अपॉन करके लिख देते हैं, इसी पहले पढ़ा चुका हूँ, यानी फोर की पावर वन अपॉन थ्री, इस चीज़ को लिख सकता हूँ फोर की पावर वन अपॉन थ्री, लेकिन इस पर स्क्वायर है, स्क्वायर है तो क्या करूँगा, फोर की पावर वन अपॉन थ्री, चलो लिख देता हूँ यहाँ पर, एक आर स्क्वायर इंटू फोर की पावर वन अपॉन थ्री, इस चीज़ को लिख दिया। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, आप देखें स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, कहीं मिस्टेक तो नहीं किया मैंने भाई, अगर कहीं भी मिस्टेक हो गई होगी तो आंसर नहीं आने वाला, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ हो गया वन रेशियो, अब एक चीज़ देखना, फोर है ये और ये वन अपॉन थ्री, और पावर के ऊपर पावर लगी हुई है, और मैंने बताया घात के ऊपर जब घात हो तो उन घात का भी आपस में मल्टीप्लाई होता है, यानी वन अपॉन थ्री इंटू टू, तो टू को वन करेंगे टू और ये नीचे थ्री, यानी ये हो जाएगा टू अपॉन थ्री, ठीक है। लेकिन आपका इस तरीके से भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वन रेशियो ये फोर है, इसे क्या लिख सकता हूँ, टू की पावर टू लिख सकता हूँ, और हमारे ऊपर कितना है, टू अपॉन थ्री है, फिर दोबारा से ऊपर घात के ऊपर घात हो गई, यानी फिर दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों घात का आपस में मल्टीप्लाई, दोनों पावर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, सॉरी पहले टू लिख दो उसे, टू इंटू टू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, नीचे कितना, थ्री, देखना इस तरीके से हमारा कोई आंसर है, सॉरी इस तरीके से भाई, वन रेशियो टू की पावर फोर अपॉन थ्री, आप देखेंगे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ ये था, यहाँ से आप घबरा जाते, आंसर निकल के नहीं आता, अगर आपको घातांक कर्ड़ी मालूम है, पढ़ा है आपने, तो आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें 156 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर व्यास की एक ठोस धातु गोल बॉल को पिघलाकर पुनः ढाला जाता है और शंकु आकार दिया जाता है, कोई गोल गेंद है उसको पिघला करके कौन सा रूप दिया जाता है भाई, शंकु आकार रूप दिया जाता है, चलिए तो क्या करेंगे, उस बॉल का आयतन बराबर शंकु का आयतन, तो डायरेक्ट कर दो परेशान ना हो भाई, तो देखना बॉल का आयतन बराबर किसका, शंकु का आयतन, लिख लेना, आयतन मैंने लिखा नहीं है, तो इसका आयतन क्या होगा भाई, बॉल कैसे गोल है, यानी गोले का आयतन क्या होगा, चार बट्टे तीन पाई आर वन क्यू, इसकी रेडियस आर मान ली मैंने, इसका आयतन क्या होगा शंकु का, एक बट्टे तीन पाई आर स्क्वायर, इसे टू मान लेता हूँ, आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब यहां देखना क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, इसे 6 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है भाई, किसका, गेंद का, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इस गेंद की त्रिज्या कितनी, पाई से पाई कैंसिल कर लो, 4 अपॉन 3 इंटू त्रिज्या कितनी हो जाएगी, डायमीटर 6 है, त्रिज्या हो जाएगी 3, यानी कि 3 का क्यूब, गेंद का भी, अच्छा 3 से 3 भी तो कैंसिल हो जाता, ये भी कैंसिल कर दो, 4 इंटू 3 का क्यूब। अब आर टू, ये शंकु की त्रिज्या दे रखी है, बिल्कुल दे रखा भाई, जिसका आधार का व्यास 12 सेंटीमीटर, शंकु का व्यास कितना 12, तो शंकु की त्रिज्या कितनी हो 6 हो जाएगी, यानी 6 का स्क्वायर इंटू हाइट, मुझे पता नहीं हाइट ही तो मुझे निकालना, शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप देखेंगे h निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा भाई, आप देखिए इसका हमें डिवाइड लगाना होगा इधर, यानी 4 इंटू 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 अपॉन 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, आप देखेंगे 9 से डिवाइड हो जाएगा 4, 9 से हो जाएगा 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हाइट हमारी जो निकली वो कितनी निकली भाई साहब, 3 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन। और इसी के साथ हमने ये टॉपिक कर लिया अपना कंप्लीट, बहुत प्यारा सा टॉपिक था, और अगला टॉपिक होगा हमारा शंकु और बेलन। तो साथियों आज क्लास यहीं पर स्टॉप करते हैं, और कैसी क्लास लगी
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई, ठीक है। सभी साथियों तक पहुँचाएँ जो भी आपके साथी हैं एचडी यादव का मैथ पढ़ते हैं या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे की या फिर UPSI की या फिर जो है दिल्ली पुलिस है, सभी भाई हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।